गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं के सरकार बनाने वाले बयान को लेकर कहा कि चुनाव 28 सीटों पर है और उनको सरकार बनाने के लिए 29 सीटें चाहिए। ये सरकार नहीं, नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए चुनाव लड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ अपेक्षा भी मीडिया से करते हैं और उपेक्षा भी मीडिया की ही करते हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जब सरकार बनाने के लिए 29 सीटें चाहिए तो कांग्रेस 28 सीटों में सरकार कैसे बना लेगी, ये सोचने वाली बात है और ये कला सोनिया गांधी और कमलनाथ को आती होगी। उन्होंने कहा ये अपनी सरकार नहीं बचा पाए, पार्टी नहीं बचा पाए, देश क्या चलाएंगे। कांग्रेस अब तो सिर्फ विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ी है। ये सरकार बनाने का दावा इसलिए करते हैं ताकि कांग्रेस में भगदड़ ना मच जाए। उन्होंने कहा विगत 10 वर्षों से केंद्र में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना और यहाँ भी वे नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको संविधान पर भरोसा नहीं है, कभी न्यायालय, कभी चुनाव आयोग तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सुना है कांग्रेस कार्यालय में मूवर्स और पैकर्स आए थे, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, 10 तारीख तक रुक लेते फिर चले जाते। दावा सरकार बनाने का कर रहे हैं, वो तो मैं कह चुका कि जरूरत 29 की है या 28 के चुनाव है। बाकी ये कयास हमेशा से लगाते रहे हैं कांग्रेस के लोग, अब कोई संभावना है नहीं। वैसे भी मेरी मान्यता है कि कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने को ही लड़ रही है। कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचे इसलिए ये बार बार भ्रम पैदा करते थे सरकार बनाने। कांग्रेस को सरकार बनाने 29 सीटें चाहिए, चुनाव हो रहा है कुल 28 पे, अब 28 पे 29 के परिणाम कैसे आएंगे ये कला तो कमलनाथ जी को आती नहीं है, ये सिद्ध हो गया। जो सरकार नहीं बचा पाए, पार्टी नहीं संभाल पाए, वो प्रदेश क्या संभाले, इनका काम ही ये है, तभी तो आप चर्चा में लोगे उनको। ईवीएम पे उंगली उठा दो, चुनाव आयोग पे उंगली उठा दो, न्यायालय पे उंगली उठा दो, सेना पे उंगली उठा दो, पता नहीं राम जाने किस मानसिकता की है। ये सारी उंगलियां देखो जनता पसंद नहीं करती, परिणामों से भी सबक नहीं ले रहे। भोपाल में लड़े थे, मैंने तो सुना है कार्यालय में कल मूवर एंड पैकर आ गया था, सामान पैक करने वाला। अब इतनी जल्दी क्या है घर जाने, प्रतीक्षा करें 10 तारीख तक 11 को जाए। वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा जब ये सत्ता में आते हैं तो हमेशा मीडिया की उपेक्षा करते हैं। कांग्रेस ने भोपाल में भी मीडिया की उपेक्षा की, कमलनाथ मीडिया से अपेक्षा रखते हैं और मीडिया भी की ही उपेक्षा करते हैं। नहीं, निंदा वाली बात है वो, इस तरह से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का, कि जब जब पावर में आते हैं सबसे पहला हमला ही मीडिया पर ही करते हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की हो, चाहे भोपाल की। भोपाल में भी जब ये सर पावर में आई, उन्होंने सबसे पहले उपेक्षा अगर किसी की थी तो मीडिया से, अपेक्षा मीडिया से करते हैं और उपेक्षा मीडिया की करते हैं। आज तक नहीं समझ में आया, सच का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, लिखने भर से सच का सामना नहीं होता। मीडिया के बंधु समझा कि कमजोर वर्ग की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की कमजोर वर्ग की योजनाएं जनता तक पहुंचाते हैं, निंदनीय कृत्य है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।